दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास आज एक सीआरटी टेलीविज़न है। और दोस्तों इस सीआरटी टेलीविज़न पर फॉल्ट क्या है दोस्तों कि इसका सेट जो है डेड है। और इसमें दोस्तों फॉल्ट क्या है कि जैसे दोस्तों हम इसमें फ्यूज लगाते हैं, इसका फ्यूज दोस्तों ओपन हो चुका है, और जैसे इसमें हम फ्यूज लगाते हैं तो फ्यूज दोस्तों बार बार उड़ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए मैं इसका कनेक्शन वगैरह निकाल देता हूँ और आपको सबसे पहले दोस्तों चेक करना बताऊंगा कि कभी भी पावर सप्लाई में फॉल्ट आता है सेट डेड का। तो दोस्तों सेट डेड का फॉल्ट आपका पावर सप्लाई में दो कारण से आता है। एक, जब टेलीविज़न को हम लो वोल्टेज में चालू कर देते हैं, या फिर दोस्तों हम जो टीवी को है तो हाई वोल्टेज में चालू कर देते हैं। मतलब कि दोस्तों हाई वोल्टेज के कारण और लो वोल्टेज के कारण ही हमारा जो टीवी का पावर सप्लाई है वह अधिकतर दोस्तों ख़राब होता है। तो सिंपल सा दोस्तों, कभी भी यदि पावर सप्लाई ख़राब होता है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, तो दोस्तों आपको लीड चेक करना होगा और स्विच से जो है दोस्तों वायर आता है किट में लगा होता है, इसमें दोस्तों आपको एसी बोर्ड चेक करना होगा। और दोस्तों मैंने चेक कर लिया है, हमारा वायर वगैरह जो मेन लीड है दोस्तों सही है और स्विच भी सही है। और दोस्तों इसका फ्यूज जो है तो आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है। और अब दोस्तों मैं इसका कैपेसिटर चेक करता हूँ, मेन फिल्टर कैपेसिटर शॉर्टिंग के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं शॉर्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं बता रहा है। और इसके बाद दोस्तों जो ब्लू ट्रांजिस्टर लगा होता है पावर सप्लाई में, उसी भी दोस्तों मैं शॉर्ट के लिए चेक करता हूं। तो दोस्तों ये हमारा शॉर्ट नहीं है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों यदि आपका ये जो कलर किट है, यदि इसका पावर सप्लाई ट्रांजिस्टर वाला है, तो इसमें दोस्तों आपको शॉर्टिंग के लिए दो ट्रांजिस्टर चेक करने होते हैं। एक 3807 लगा होता है, किसी किसी में दोस्तों 2655 भी लगा होता है, और एक आपका जो मेन ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों वह लगा होता है। और इसके बाद दोस्तों आपको जो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए डायोड लगे होते हैं चार डायोड, उसे भी दोस्तों आपको शॉर्ट के लिए चेक करना होता है। कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि हाई वोल्टेज कारण हमारा डायोड जो है तो शॉर्ट हो जाता है, इससे भी दोस्तों बार बार हमारा फ्यूज जो है ओपन होता है यदि हम फ्यूज लगाते हैं। तो दोस्तों इस किट पर मैंने चेक किया है, इसका जो ट्रांजिस्टर है, कंडेंसर है, दोस्तों डायोड है, सभी कुछ दोस्तों सही है, लेकिन दोस्तों फिर भी हमारा फ्यूज ओपन होने का कारण क्या है दोस्तों आप देख सकते हैं। आपको यह है पीले कलर का एक कैपेसिटर दोस्तों दिख रहा है, जिसे आप VDR बोल सकते हैं। और दोस्तों यह जो ग्रीन कलर का दोस्तों PF टाइप का दिख रहा है, यह हमारा PTC है। और दोस्तों कभी भी यदि बार बार फ्यूज ओपन होता है फ्यूज लगाते ही, तो दोस्तों सब कुछ चेक करने के बाद दोस्तों यदि आपका ट्रांजिस्टर वगैरह सही है तो इन दोनों को दोस्तों आपको शॉर्टिंग के लिए चेक करना होता है। तो दोस्तों मैं इसे चेक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों यह जो VDR है कैपेसिटर, दोस्तों यह कुछ रीडिंग बता रहा है PTC का कनेक्शन निकालने के बावजूद। यदि दोस्तों PTC का कनेक्शन लगा होता तो हम मानते हैं दोस्तों कुछ रीडिंग बता सकता है, लेकिन PTC का कनेक्शन निकालने के बाद दोस्तों यह कुछ रीडिंग बता रहा है, मतलब कि दोस्तों यह हमारा जो है शॉर्टिंग कर रहा है और फ्यूज दोस्तों बार बार ओपन होने के कारण यही है। अब दोस्तों मैं इसे निकाल कर बाहर कर दूंगा और इसे दोस्तों यदि मैं नहीं भी लगाता तो भी हमारा सेट जो है तो चालू हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको मार्केट में यह VDR जो है कैपेसिटर नहीं मिल पाता है तो दोस्तों आप इसे ओपन भी कर देंगे, नहीं भी लगाते हैं तो भी आपका सेट जो है तो चालू हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको यह येलो कलर वाला जो VDR है, मतलब दोस्तों कैपेसिटर, इसे दोस्तों आप PF बोल सकते हैं, नहीं मिल पाता है तो दोस्तों आप किसी पुरान किट से लगा सकते हैं। और दोस्तों अभी इसका जो फ्यूज है, तो दोस्तों फ्यूज मेरे पास नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं फ्यूज की जगह पर एक पतला सा जो है जम्पर कर दूंगा। और दोस्तों ज़्यादा यदि हमारे पास फ्यूज नहीं है तो इसमें हमें ज़्यादा मोटा कोई जम्पर नहीं लगाना, इससे दोस्तों क्या होगा कभी भी यदि पावर सप्लाई शॉर्ट होता है तो दोस्तों पावर सप्लाई पूरा जलने का डर रहता है। इसलिए दोस्तों हमको फ्यूज जो है तो जम्पर के रूप में दोस्तों एक पतला सा केवल वायर लगाना होता है। दोस्तों मैंने इसमें जो फ्यूज है तो लगा दिया है और अब दोस्तों इसे हम चालू करके देखेंगे। और दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूं कि दोस्तों फ्यूज उड़ने का कभी कभी एक कारण और भी होता है दोस्तों, PTC कभी ओवर लाइट के कारण दोस्तों क्या होता है कि PTC जो आपका ब्लैक कलर का दोस्तों डिब्बी भी कभी लगा होता है। और तो जैसे दोस्तों मैंने आपको दिखाया ग्रीन कलर का जो लगा हुआ दोस्तों PF जैसे हुआ दोस्तों PTC वह भी कभी कभार शॉर्ट हो जाता है, उसके कारण दोस्तों बार बार हमारा फ्यूज ओपन होता है। दोस्तों अब हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं AC वोल्टेज हमें इस किट पर मिल रहा है। और इसका दोस्तों हम पावर सप्लाई आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो पावर सप्लाई दोस्तों सही हो चुका है। और दोस्तों यह है TV पर पावर सप्लाई पर आने वाला बहुत ही सिंपल सा फॉल्ट है दोस्तों, इसे आप जो है बहुत सिंपल तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा टेलीविज़न जो है सही हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें। दोस्तों नमस्कार।